नमस्कार आदा आप सत्या मैं हूं कपिल का काटपाल स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड अदर बॉर्डर दिस इज फर्स्ट ऑफ जुलाई मी उम्मीद करता हूं आप मुझे डेली डेली फॉलो कर रहे हैं यहां पर साढ़े सात बजे इसी यूट्यूब चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं डेली करंट अफेयर्स की क्लास और आठ बज के दस मिनट पर रहती है एमसी की क्लास जो कि अन अकेडमी के स्पेशल क्लास के प्लेटफॉर्म पे होती है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसमें हम लाइव क्विज करते हैं पोल के थ्रू करते हैं और प्रीवियस डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं उम्मीद करता हूं एवरीथिंग इज फाइन आपको मैं अच्छे से दिखाई दे रहा होगा और मेरी आवाज जो है वो सही तरीके से आपको सुनाई दे रही होगी ओके सो ये आप कुछ मेरे बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं मुझे अभी तक फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया है तो अनकैडमी प्रोफाइल पे जाके स्टार्ट कर दीजिएगा ये मेरी प्रोफाइल का लिंक है ओके और आज रात से एक नया मेरा कोर्स प्लस कोर्स लॉन्च हो रहा है जिसमें मैं लास्ट सिक्स मंथ्स की कंप्लीट करंट अफेयर्स करवाऊंगा अगर एनरोल करना चाहते हो जल्दी से आज एनरोल कर लीजिएगा आज रात से दस बजे क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं नीति कोड लगा लीजिएगा इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जस्ट आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना है एंड आप मेरा कोर्स देख पाएंगे इवन बैंकिंग अवेयरनेस का जो मेरा कोर्स है जो पहले मैंने करवा रखा है उसकी भी रिकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल रहेगी यह पूरा का पूरा शेड्यूल है इस कोर्स का कब कब क्या क्या करवाऊंगा कौन से दिन आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जो कि है जनरल अवेयरनेस विद कपिल कार्डपल ये उसका लिंक है इस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे 30000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं उसी चैनल को ज्वाइन कीजिएगा आपको वहां पर मेरे सारी क्लासेस की पीडीएफ एज़ वेल एज आपको मेरी क्लासेस का लिंक भी मिलते रहेंगे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड 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 मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग बहुत ही बढ़िया नया महीना नई शुरुआत करते हैं आगाज करते हैं आज के सेशन का पहली न्यूज आप सभी के सामने आई है एम से माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो कि हैं आपके नितिन जयराम गडकरी इन्होंने आपका रिलीज किया है एक नोटिफिकेशन और ये नोटिफिकेशन आपका एक तो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है एमएसएमई किस तरह से क्लासिफाई की जा सकती है एज वेल एज डी उनके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है किस तरह से इनका रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए ओके सो यहां पर कुछ ऐसी चीजें बहुत सारे ऐसे चेंजेस इंपॉर्टेंट लाए गए हैं एमएसएमई की डेफिनेशन में चलिए देखते हैं क्या सबसे पहले तो एमएसएमई अब नहीं कहा जाएगा अब क्या कहा कहा जाएगा जाएगा अब इनको उद्यम ओके okay, पहले हम कहते थे एमएसएमई इंडस्ट्री अब एमएसएमई ना बोलकर इनको बोला जाएगा उद्यम इंडस्ट्री ठीक है और ये आपका इनका रजिस्ट्रेशन जो होगा उद्यम रजिस्ट्रेशन कहलाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी यानी कि आज से उद्यम रजिस्ट्रेशन इज टू बी डन थ्रू

आपके रजिस्ट्रेशन को रजिस्ट्रेशन जो आपके एंटरप्रेनर जो हम ये रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं इन रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए हैव मेड लीगली रिस्पांसिबल फॉर फैसिलिटिंग एंटरप्रेनर इन रजिस्ट्रेशन एंड इवन देर आफ्टर उनकी रजिस्ट्रेशन को आपका और अनिवार्य करने के लिए ये आपका चैंपियंस कंट्रोल रूम लॉन्च किया गया था ठीक है तो चलिए ये डेफिनेशन है इससे पहले ये चीज देख लेते हैं कि इस पूरी की पूरी स्लाइड में हमारे क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो बनेगा आपके मिनिस्टर कौन है मिनिस्टर हैं आपके नितिन गडकरी जी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के दूसरा क्वेश्चन आपका एमएसएमई का नया नाम क्या रखा गया एमएसएमई को अब हम कहेंगे उद्यम कहेंगे उद्यम कहा जाएगा राइट तीसरे क्वेश्चन इसमें से इस स्लाइड में से बनता है चैंपियंस कंट्रोल रूम आपका कौन से फील्ड से कौन से आपके मिनिस्ट्री से या फिर कौन से आपके ऐसे आ, कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है तो राइट आंसर ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है यहां पर जस्ट मिनिस्ट्री ही है यहां पर हमारा राइट right आंसर रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई या फिर कह लीजिए उद्यम से रिलेटेड है आपका ये चैंपियंस कंट्रोल रूम ओके सो ये पूरी की पूरी आ, स्लाइड में से आपके ये तीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अब रही बात उद्यम क्लासिफिकेशन की एमएसएमई की क्लासिफिकेशन कह लीजिए उद्यम की क्लासिफिकेशन आज से कहीं

यहां पर मतलब है कि एक साल में आपका जो एक साल में आपका जो है टर्नओवर यानी कि सेल्स जो है सेल्स जो है आपकी जो आप बेचते हैं सामान वो आपका पांच करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए यानी कि अगर इस रेंज में अगर आपका आता है तो आपकी कहलाएगी पचास करोड़, करोड़ से आपका ढाई सौ करोड़ ये आपका इन्वेस्टमेंट और दिस इज दी ओवर सो ये डेफिनेशन दिमाग में रख लीजिएगा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में डेफिनेशन आपकी चेंज हुई है चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन न्यूज और यह हिंदी में भी अवेलेबल है आप हिंदी में बाद में आराम से मेरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं मेरी जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं हिंदी में पीडीएफ अलग से डालता हूं आप आराम से पढ़ सकते हैं अभी हम समझाते तो मैं हिंदी में ही हूं तो आप समझ लिया कीजिए हिंदी में आप रिविजन के टाइम पढ़ सकते हैं उसको आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी महाराष्ट्र ने अनाउंस किया है कि महापरवाना महापरवाना आपका लॉन्च किया है और ये है आपका रिलेटेड टू अट्रैक्टिंग दी फ्रेशन

को भी अट्रैक्ट किया मीन इन्वेस्टमेंट और ज्यादा इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं उसमें एज वेल एज उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे मीन्स कोई ऐसी इंडस्ट्री जो आपकी कम है ऐसी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे आपको सब्सिडी के फॉर्म में आपको टैक्स के फॉर्म में टैक्स आपका कम लगेगा सो so उस तरह की चीजें सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिंगल विंडो क्लीयरेंस मीन्स आपको जितनी भी फॉर्मेलिटीज आप एक जगह जाइए और सारी की सारी फॉर्मेलिटीज सारी की सारी चीजें जो है आपकी जितनी भी फॉर्मे आपके रिलेटेड टू फॉर्मेलिटीज हैं आपकी इंडस्ट्री uh, ओपन करने से वो आपकी एक ही जगह पे पूरी हो जाएंगी सो कंपनी विद इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फिफ्टी करोड़ और मॉल विल गेट रिलैक्सेशन ऑन गेटिंग क्लियरेंसिस फ्रॉम मल्टीपल डिपार्टमेंट विद एश्योरेंस लेटर सो यहां पर कहा गया पचास करोड़ से ज्यादा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी बिजनेस

स्टेट डिपार्टमेंट से आपको तीस दिन के अंदर मिल जानी चाहिए बाकी इंडस्ट्री की हम बात करें हैं एंड अगर क्लियरेंस तीस दिन के अंदर नहीं मिलती तो इट विल बी ऑटोमेटिकली डीम्ड डेस्ट क्लियर मीन माना जाएगा ये आपका क्लियर हो चुकी है आपको किसी भी तरह की फर्दर ऑफिशियल क्लियरिफिकेशन की जरूरत क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी सो यहां पर एग्जाम पॉइंट से जो क्वेश्चन बनेगा पहला क्वेश्चन महाप्रवाना कौन से स्टेट से रिलेटेड है महाराष्ट्र से रिलेटेड है कितने आपके इसमें कंपनीज का एक इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया रखा गया जिसमें आपका उनको मल्टीपल डिपार्टमेंट से क्लियरेंसिस इजिली मिल जाएगी 48 आवर्स के बीच में मिल जाएंगी राइट right आंसर उसका 50 करोड़ रुपीस रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कितने घंटे में मिल जाएगी 48 आवर्स ये भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितनी ऐसी स्टेटटरी परमिशनस है जो महापरवाना के अंडर आपकी दी जा रही हैं विद इन द 30 डेज 25 ऐसी ऑड स्टेटटरी परमिशन है या फिर 25 दे देंगे और टाइम पीरियड पूछेंगे टाइमलाइन है आपकी 30 डेज ओके okay, यहां यहां पर मैत्री की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है मैत्री की फुल फॉर्म महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेन एंड द इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल है मैत्री के चर हर्षादीप कांबले हैं हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में ये इसका स्टैटिक फैक्ट हुआ आपका नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं प्लांट्स इन तमिलनाडु एडिपी के पेलनाथ स्वामी चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के एंड धर्मेंद्र प्रधान यूनियन मिनिस्टर पेट्रोलियम नेचुरल गैस एंड स्टील इन्होंने इनाइ्रेट किया है नमक्कल जगह पर आपका किया है एज वेल एज दीबीजी फ्यूल स्टेशन एट दी पुद्दू एंड द रस्सीपुरम ओवर वर्चुअल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन आपका किया इनको आपका इनाइग्रेट किया सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोग प्लांट की हम बात करें कहां पर किया

कौन सी जगह पे है तमिलनाडु में है कि कौन सा ऐसा प्लांट वहाँ पर क्वेश्चन इसमें से निकलता है वो इस पैराग्राफ में से निकलता है सबसे पहले तो सतत की फुल पूछी जा सकती है सतत आखिरकार है क्या अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन मीन इसका मतलब ये है कि आपको लिए और कोई अल्टरनेटिव ढूंढना आपका फ्यूल का पेट्रोल डीजल का और कुछ या फिर और जो जो भी ऑयल है आपके उनका कोई अल्टरनेट ढूंढना आपकी एनर्जी पर्पज से ट्रांसपोर्टेशन पर्पज से सो ये आपका सतत प्रोग्राम के तहत कंप्रेस्ड बायोगैस को आपका ढूंढा गया और उसका एक टारगेट रखा गया कि पंद्रह मिलियन मेट्रिक टन हमें बनाना है दो तक सो ये दो पूछा जा सकता है पंद्रह मिलियन टारगेट क्या के रखा गया ये आपसे पूछा जा सकता है सतत की फुल फॉर्म भी अगली खबर है हमारे सामने सेंटर ने एलोकेट किया है फोर वन टू फाइव करोड़ टू तो रेज्य मीडियम एंड टाइनी इंडस्ट्रीज इन दी तमिलनाडु तमिलनाडु से ही न्यूज है तमिलनाडु को आपका चार हजार एक सौ पच्चीस करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है और यह दिया है उनकी स्मॉल मीडियम एंड टाइनी इंडस्ट्रीज सेक्टर के लिए उनको और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए उनको पैसा देने के लिए यह किया गया है इसके अलावा वहां के चीफ मिनिस्टर ने एक नींव भी रखी वन करोड़ रुपीज पिल्लोर ज्वाइंट वाटर सप्लाई स्कीम की एंड एज वेल उकदम पोड एंड ये बिल्ड की गई है थर्टी नाइन करोड़ रुपीस की लागत से ये भी आपका जनरल पब्लिक के लिए आपका यहां पर ओपन कर दिया गया है राइट सो दिस इज द सेंटर ने एलोकेट किया फोर वन टू फाइव करोड़ आपका स्मॉल मीडियम एंड टाइनी इंडस्ट्री सेक्टर के लिए एग्जाम so, पॉइंट से से इसकी हेडलाइन में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन बन सकता है ये एक जस्ट रीड कर लीजिएगा इतने इंपॉर्टेंट दोनों पार्ट नहीं है बट फोर वन टू फाइव आपसे पूछा जा सकता है अगली न्यूज है हमारे सामने डिफेंस कॉन्क्लेव ट्वेंटी गुजरात में आयोजित किया गया सो so, वर्चुअल ही आयोजित किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया गया दो दिन का यह चलने वाला डिफेंस कॉन्क्लेव ट्वेंटी ट्वेंटी वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस

टी डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 कहां पर हुआ एग्जाम पॉइंट ऑफ से पूछा जा सकता है गुजरात में हुआ किसके साथ मिलकर किया गया कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलकर किया गया आपका सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर ये भी दोनों नाम आपसे पूछे जा सकते हैं ओके सीआईए के प्रेजेंट हेड कौन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं आ, जीव मिनिस्टर ने लॉन्च किया प्लेटीना प्लेटीना आपका एक लॉन्च किया है प्लेटिना क्या है प्लेटिना एक आपका प्लाज्मा थेरेपी कम ट्रायल प्रोजेक्ट है प्लाज्मा थेरेपी कम ट्रायल प्रोजेक्ट दुनिया का लार्जेस्ट कॉन्वल प्लाज्मा थेरेपी कम ट्रायल प्रोजेक्ट आपका किया गया है यहां पर प्लेटिना नाम का प्लेटिना नाम का किया गया है टू ट्रीट द कोविड 19 पेशेंट्स वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये किया गया नागपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सो प्लेटिना आखिरकार इसमें महाराष्ट्र में किया गया अब है क्या ये प्लाज्मा थेरेपी बेसिकली जो आपके कोविड कोविडीन कोविड नाइनटीन के जो पेशेंट है जो रिकवर हो चुके हैं उनकी बॉडी से आपका आपका ब्लड लिया जाएगा जाएगा उसके प्लाज्मा को आपका उससे अलग किया जाएगा और उस प्लाज्मा को इंजेक्ट किया जाएगा कोविड नाइनटीन पेशेंट्स में ताकि जो एंटीबॉडीज हैं जो उनकी बॉडी में आपकी क्रिएट हो चुकी हैं कोविड नाइनटीन वायरस से फाइट करने के लिए वो एंटीबॉडीज आपकी कोविड नाइनटीन पेशेंट के अंदर चली जाए और वो आपकी वो आपकी को उसके अगेंस्ट वायरस से लड़ने में मदद करें सो so ये आपका एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया दिस इज दर्ल्ड लार्जेस्ट

बनेगा कितने करोड़ एलोकेशन किया गया सिक्सटीन पॉइंट सिक्स फाइव करोड़ का एलोकेशन इसमें किया गया है अगला क्वेश्चन अगली न्यूज हमारे सामने इंडिया का पहला प्लाज्मा बैंक प्लाज्मा बैंक कोविड 19 ट्रीटमेंट के लिए यह कहा गया यह दिल्ली में किया गया अरविंद केजरीवाल जी ने लॉन्च किया इंडिया का पहला प्लाज्मा बैंक मीन यहां पर स्टोर करके रखा जाएगा आपका प्लाज्मा को द इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बायलरी साइंस ये आपका यहां पर रखा जाएगा प्लाज्मा बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा एंड ये आपका फैसिलिटी को करेगा डोनर्स एज वेल एज द रिसपियंट से एंड ये आपका सेकेंड जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी

सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपकी स्पॉन्सर की गई उनके द्वारा उसका फंड दिया गया है एंड इसका नाम है प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेनरिज़ ओके सो ये इसका पी एम ई स्कीम का पूरा नाम है एंड द स्कीम नेम द सपनों की उड़ान सपनों की उड़ान ये किया गया है टू बी इंप्लीमेंटेड ओवर पीरियड ऑफ फाइव इयर्स पांच सालों के लिए इंप्लीमेंट की जाएगी दो इस साल से लेकर दो समय रहेगा एंड इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया वर्चुअली फ्रॉम द विलेज बादल बादल विलेज बठिंडा पंजाब में है आपका यहां से इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया है सो so ये जो पैराग्राफ है इसमें क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं चलिए पहले ये देखते हैं

एग्जाम में इतना कंटेंट आपको देता हूं कि एग्जाम में 90 परसेंट क्वेश्चन आपके लग जाएंगे बट आपने उसकी रिवीजन अच्छे से की हो तो राइट सो यहां पर मैं किसी भी तरह का वन लाइनर बिल्कुल डीप में उतना ही पढ़ाता हूं डीप में भी उतना पढ़ाता हूं जितना आपके बैंक एग्जाम या फिर आपके किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ज्यादा चीजें नहीं पढ़ते ओके okay, ओवरफ्लो हम चीजों का नहीं करते कईयों को यदि तो यह भी ओवरफ्लो लग रहा होगा ये ओवरफ्लो नहीं है ये बिल्कुल बैलेंस चीज है जो आपको करवा रहा हूं राइट सो एक्सपेंडिचर अंडर द स्कीम विल बी शेयर्ड इन 60 40 रेशियो 60 40 रेशियो में आपका ये एक्सपेंडिचर जो है

अगला क्वेश्चन है अगली न्यूज हमारी पैंतीस परसेंट क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी फॉर अपग्रेडेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से ही एक न्यूज है इसमें कहा गया है आपका कुछ एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जो कि आपका अपग्रेड होना चाहते हैं अपग्रेड मीन्स वो नई टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं अपनी इंडस्ट्री में नया कुछ मशीनरी वगैरह सेटअप करना चाहते हैं तो उनको आपका ये क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी 35 परसेंट तक की आपकी उनके को प्रोजेक्ट कोस्ट की मिल जाएगी जो कि दस लाख रुपए पर यूनिट रहेगी अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि आखिरकार क्रेडिट लिंक्ड सॉरी क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी होती क्या है देखो जब भी हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो मान लीजिए मुझे सबसे पहले उसमें मशीनरी लगानी है ठीक है मशीनरी लगानी है मुझे उसमें प्लांट आपका प्लांट मशीनरी बोलते हैं सो मुझे वो चीज आपकी एस्टेब्लिश करनी है तो यहां पर इसको खरीदने के लिए मैं कुछ पैसा दूंगा कुछ पैसा दूंगा तो इस पैसे को हम कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट ठीक है मींस आपकी लॉन्ग टर्म अवधि के लिए लंबी अवधि के लिए मैं कुछ अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं किसी चीज को और वो कहलाती है आपकी ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल आपकी ये कैपिटल वो नहीं है जो पूंजी आप है उसी से रिलेटेड मींस मेरे पास पैसा जेब में सौ रुपए है तो मैं एक बिजनेस को स्टार्ट करता हूँ मेरे पास सौ रुपए तो मैं इस पैसे को कहां लगाता हूँ मैं इससे अपनी बिल्डिंग खरीदता हूं मैं इससे प्लांट एंड मशीनरी खरीदता हूँ ठीक है मैं इससे अपना फर्नीचर खरीदता हूं तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये जो पूंजी है हंड्रेड रुपीज की ये कहां इन्वेस्ट की जा रही है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट की जा रही है मेरी बिल्डिंग हमेशा एस्टेब्लिश रहेगी रहेगी प्लांट एंड मशीनरी जब तक चलेगी चलती फर्नीचर मेरा रहेगा तो लंबी अवधि को सोच कर किया जाए तो इसी को हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं तो यहां पर यह कैपिटल सब्सिडी का मतलब यही हुआ कि मैंने जो पूंजी अपनी लगाई है किसी भी तरह की मशीनरी को परचेज करने के लिए और मैंने उसके लिए लोन भी लिया मान लीजिए मेरा जो

सीड कैपिटल यहां पर पहली बार पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए एंड ये आपका उनको प्रोवाइड की जाएगी फोर्टी थाउजेंड रुपीज एंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एसजी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव इनको भी आपका पैंतीस परसेंट तक उनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए फंड दिया जा सकता है सब्सिडी दी जा सकती तो यहां पर पैंतीस परसेंट एंड यहां पर यह पैंतीस इंपॉर्टेंट है अगली न्यूज है हमारे सामने एन आई एफ टी ई एम आई आई एफ पी टी ये आपका सपोर्ट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा फॉर ट्रेनिंग ऑफ यूनिट सो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंट्रप्रीनियरशिप एंड मैनेजमेंट सोनीपत हरियाणा में है एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी जो कि तमिलनाडु में है ये दो ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंडर आएंगे एंड इनको सपोर्ट दिया जाएगा स्टेट लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन का एंड यहां पर सपोर्ट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेनिंग ऑफ यूनिट्स के द्वारा सो so यहां पर ट्रेनिंग बेसिकली दी जाएगी इन दोनों इंस्टीट्यूट के थ्रू इन दोनों द ट्रेनिंग विल बी कंडक्टेड इन कोलैबोरेशन विद दिस एनआईएफटीएम एंड फूड प्रोसेसिंग कैपिटल एंड कैपेसिटी एंड दिस स्किल इनिशिएटिव के साथ मिलकर यहां पर 41 ऐसे चीजें चुनी गई हैं जहां पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी 3 महीने का एक सर्टिफिकेट कोर्स आपका प्रोवाइड किया जाएगा सो so एग्जाम पॉइंट है उससे इन दोनों का नाम याद रखने किससे रिलेटेड है ये आपके इंस्टीट्यूशंस हैं

और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम को एक्सटेंड कर दिया ऑपरेशन ग्रीन स्कीम आपकी बेसिकली क्या थी थी ऑपरेशन ग्रीन स्कीम पहले टॉप टॉप के लिए यानी कि टोमेटो ऑनियन पोटैटो क्रॉप्स के लिए थी सो so ये बेसिकली स्कीम के तहत उनकी स्टोरेज के लिए उनकी स्टोरेज के लिए आपका सब्सिडी दी जाती थी उनकी ट्रांसपोर्टेशन पर्पज से आपकी सब्सिडी दी जाती थी गवर्नमेंट की तरफ से सो so अब ऑपरेशन स्कीम के तहत कुछ और कुछ और आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंक्लूड किया गया है टोटल दस फ्रूट्स हैं और टोटल आठ वेजिटेबल्स हैं सो दस एंड दी आठ वेजिटेबल्स को टॉप स्कीम के अंदर इंक्लूड किया गया है इसी को हम ऑपरेशन ग्रीन कहते हैं सो so, यहां पर दस फ्रूट के नाम याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज प्रैक्टिकल इंपॉसिबल कि आपको याद रहे जस्ट इतना याद रखे फ्रूट कितने हैं दस है वेजिटेबल है। कितने हैं आठ है ओके सो okay, so, ये आपसे पूछा जा सकता है इसमें आपका फार्मर्स एंड दी प्रोसेसर्स को पचास की सब्सिडी मिलेगी स्टोरेज पे मींस अगर स्टोरेज पे जो खर्चा करते हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन पे जो खर्चा करते हैं इन 18 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे उसमें 50% का जो खर्चा है वो सब्सिडी के फॉर्म में वापस उनको दिया जाएगा सो so, पहले क्या था ऑपरेशन ग्रीन के तहत टॉप इंक्लूड था अब 18 और इंक्लूड कर लिया गया है ये आपकी स्कीम जो है 6 महीने के लिए लागू की गई है ओके चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं एशिया का पहला कंटिन्यूस रेबर प्रोडक्शन फैसिलिटी पंजाब में किया गया धर्मेंद्र प्रधान यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है इन्होंने आपका इनग्रेट किया एशिया का पहला कंटिन्यूज रेबर प्रोडक्शन फैसिलिटी कहां पर गोविंदगढ़ पंजाब में गोविंदगढ़ पंजाब में आपका ये लॉन्च किया गया है एशिया का पहला कंटिन्यूस रेबर प्रोडक्शन मीन कंटिन्यूसली यहां पर बनाया जाएगा और ये आपका बनाया जा रहा है लॉन्च किया गया है माधव के आर ग्रुप साथ में है इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन

यहां पर किया गया है कौन से ग्रुप के द्वारा माधव के आर डी ग्रुप के द्वारा इस कंपनी के द्वारा इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन इसमें साथ में शामिल है और क्या किया जाएगा सीजीआर टेक्नोलॉजी को लॉन्च इंट्रोड्यूस करने वाला पहला कौन सा आपका बना है आप पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी है यह भी आपसे पूछा जा सकता है माधव के आर डी ग्रुप का आपका ज्योति ब्रांड के तहत ये किया गया है ओके नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं हम मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम हमारा

दस से सुबह क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे एक बजे तक रहेंगी एक घंटे की एक क्लास रहेगी क्लासेस ए वन से एट तक की आपकी क्लासेस चलेंगी एंड उसी तरह से स्कूल में जैसे बेल होती है वैसे ही आपकी स्कूल की बेल रिंग होगी और एक घंटे बाद आपका पीरियड समाप्त हो जाएगा ओके okay. मध्य प्रदेश एग्जाम पॉइंट से हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम है किसने लॉन्च की है मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है राइट ये पूछा जा सकता है आपसे हमारा घर हमारा विद्यालय किसने की है मध्य प्रदेश ने की है इसमें आपका कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाएगा एक से आठवीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाया जाएगा बस इसमें इतना ही आपके दो क्वेश्चन इसमें बनते हैं अगला क्वेश्चन है अगली न्यूज है हमारी अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है द रीअपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर एडवोकेट के

अगली न्यूज है हमारी फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन सी रंगराजन जिनको हम जानते हैं फेमस नाम इनको मिला है आपका फर्स्ट प्रोफेसर पीसी महालानस अवार्ड ऑन नेशनल स्टैटिस्टिक डे नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब होता है कल हमने पढ़ा था कल उसकी न्यूज देखी थी सो यहाँ पर नेशनल स्टैटिस्टिक डे के मौके पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा आपका पहला प्रोफेसर पीसी सी नेशनल अवार्ड आपका दिया गया है सी रंगराजन को पूर्व गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पीसी महालानोबिस कल जब स्टैटिस्टिक डे की बात की तो मैंने यह बताया था आपके प्रोफेसर पीसी महलानोबिस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एक फेमस थे और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर नेशनल स्टैटिस्टिक डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है सो so, रंगराजन रिसीव दी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन प्रोवाइडिंग सोल्यूशन सो so, ये इन्होंने भी अच्छा खासा काम किया था सो so, इसलिए इनको इस अवार्ड के लिए चुना गया है इसके अलावा प्रोफेसर पी वी सुखम नेशनल तो अवार्ड भी आपका यही स्टैटिस्टिकल सेक्टर में आपका कंट्रीब्यूट करने के लिए दिया गया और यह दिया गया अरविंद पांडे एंड अखिलेश चंद्र कुलश्रेष्ठ को ये दोनों दोनों के अवार्ड इन दोनों को दिया गया महिला नोबिस अवार्ड कौन से फील्ड से रिलेटेड है से रिलेटेड है नेशनल दिया।, दिया गया किस को दिया गया आरबीआई गवर्नर पूर्व आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन जी को दिया गया नेक्स्ट आपके ये नाम भी पूछे जा सकते हैं किन किन को ये अवार्ड दिया गया टीवी सुखात में नेशनल अवार्ड अरविंद पांडे एंड अखिलेश चंद्र कुलशेष्ठा को दिया गया है ओके नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं माइकल मार्टिन को इलेक्ट किया गया है न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ दी आयरलैंड इन्होंने आपका सक्सीड किया लियो वराडकर को सो यहां पर वहां पर एक वोटिंग हुई स्पेशल मीटिंग हुई लॉकडाउन की वजह से वहां पर इस तरह की मीटिंग आपकी आयोजित की गई और यहां पर आयरलैंड की पार्लियामेंट जो की कहलाती है डेल इन्होंने आपका चुना है माइकल मार्टिन माइकल मार्टिन को एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द आयरलैंड ये आपका ढाई वर्षो तक आपका ये रहेंगे माइकल मार्टिन और उसके बाद आपका लियो वराडक

नितिन मैन बने हैं तीसरे इंडियन एंड दंगेस्ट एम्पायर टू एम्पायर टू एंटर दी अलाइट पैनल नितिन मैन 36 साल के हैं इंडिया से हैं ये आपके यंगेस्ट हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लाइट पैनल ऑफ जो क्रिकेट देखते हैं आप उसमें एम्पायरिंग जो करते हैं वही लोगों की हम बात कर रहे हैं ये आईसीसी के द्वारा आपका इनको अप्रूवल मिला है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे ग्लोबल लेवल पे आपकी क्रिकेट की ये आपका अलाइट पैनल ऑफ ही एंपायरिप्लेस निगेल

आईसीसी पैनल में शामिल हो चुके हैं सो so, एग्जाम पॉइंट से नितिन मैनन का नाम इंपोर्टेंट है किसको रिप्लेस किया निगिल लोंग को रिप्लेस किया यह भी आपसे पूछा जा सकता है तीसरे ऐसे एम्पायर बने पहले दो कौन से थे ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ये नाम नहीं आएंगे टेंशन मत लीजिए एंड दिस इज अबाउट दिस टेक्टिक अबाउट दी आईसीसी ओके चलिए मेरे दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड टू होस्ट दी 2023 ट्वेंटी फुटबॉल वर्ल्ड कप सो यहां पर फीफा काउंसिल ने आपका राइट दिया है 2023 हजार वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट को यह आयोजित किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा और यह पहला वीमेन वर्ल्ड कप रहेगा जो कि आपका एशिया पैसिफिक रीजन के द्वारा होस्ट किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में आपका होगा दो हजार वीमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप दो हजार वर्ल्ड कप आपका कतर में आयोजित किया जाएगा एंड

ने आपको डिसिप्लिन तो में भी आप definitely crack करके ही रहेंगे और तुरंत बज के दस पे एक नीचे में लिंक है। उस पे में है क्लिक कीजिए ये भी भी बहुत शानदार करवाता ऐसे आपने कहीं नहीं देखे होंगे इस तरह से होंगे और अगर नहीं मिलती नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में क्लास या कोई और इश्यू आता है तो जस्ट जाइए वहां पर आपको मेरे एमसीक्यूज मिल जाएंगे राइट ओके जाते जाते एक आ, आ... इंफॉर्मेशन जो मैंने पहले भी साझा की थी आपके साथ आज रात से 10 बजे जो भी प्लस सब्सक्राइबर है जरूर आज से एक घंटे की क्लास रहेगी रात को हम करेंगे उसको अटेंड कीजिएगा और जो प्लस लेने में इच्छुक हैं वो प्लस ले लीजिएगा नीति कोड लगा लीजिएगा और डेफिनेटली आपको बेनिफिट होने वाला है लास्ट सिक्स मंथस की करंट अवयर किसी भी बैंकिंग एग्जाम आने वाले बैंकिंग एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी और एकदम से रामबान साबित होगी इनकेस अगर आपने मेरी करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो नहीं किया है तो टेक केयर सी बी इन देंथ क्लास जल्दी से आ जाइए बहुत शानदार हम वहां पर करेंगे और रेगुलरली बने रहिए एक दो दिन लगेंगे ट्यूनिंग में नए लोगों को बट डेफिनेटली आपको फिर इतना मजा आएगा कि आप फिर इसको छोड़कर नहीं जाओगे सी यू एट दी अनदर क्लास एमसी क्लास अन अकेडमी स्पेशल क्लास